गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन बात करेंगे जो अपने लास्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था कि नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने स्टार्ट किया था। वैसे तो अपने क्या है कि इसके फैक्टर अफेक्टिंग तीन है और उन तीनों पर अपनी बात तो हो चुकी थी। ठीक है, और एक को अपन ने नोट किया था। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग में जो कल का वीडियो था उसमें आपको बताया था कि भाई फर्स्ट जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो टेम्परेचर है। कि अगर क्या है कि बेंजीन का नाइट्रेशन अगर अपने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर करते हैं तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। जैसे आपको बताया था कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर अबाउट 30 डिग्री टेम्परेचर पर अगर अपने इसका नाइट्रेशन करते हैं तो इसके मोनो डेरिवेटिव आपको, नाइट्रो डेरिवेटिव आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर 60 पर करते हैं यानी कि 30 to 60 डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या प्राप्त हुआ था, मोनो डेरिवेटिव प्राप्त हुए थे। बट अगर टेम्परेचर का क्या है कि आप 100 डिग्री करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि इसके डाई नाइट्रो डेरिवेटिव आपको प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये अपने कल के वीडियो में ये बात हुई थी। इसके बाद दूसरा जो इसका फैक्टर अफेक्टिंग आता है वो आता है नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट यानी कि नाइट्रिकारक की प्रकृति। ठीक है, यानी कि क्या है कि नाइट्रेशन जो होता है वो क्या है कि जो नाइट्रीकरण नाइट्रिकारक जो ग्रुप है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर क्या है कि नाइट्रिकारक क्या है कि इंटेंस प्रकृति का है यानी कि इंटेंस नेचर का है, तीव्र प्रकृति का है, तो उसे क्या है कि एरोमेटिक रिंग में क्या होंगे कि नाइट्रो समूह की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे क्या है कि आप नाइट्रेटिंग एजेंट अगर अपन क्या लें HNO3 और H2SO4 के से क्या है कि अगर ये लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बेंजीन में क्या होते हैं, टू नाइट्रो मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो जाते हैं, एंटर होते हैं। ठीक है, अगर क्या है कि यही प्रोसेस अपन क्या करते हैं कि सॉरी फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लेते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में, तो इसमें क्या है कि 3 नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाते हैं, बेंजीन रिंग में एंटर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि बात क्या है कि जो नाइट्रिक कारक की जो नेचर है यानी कि नाइट्रिक कारक किस तरह का है उस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन से डेरिवेटिव यहाँ पर प्राप्त होंगे, डाई डेरिवेटिव होंगे या ट्राई डेरिवेटिव आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये इस पर बात थी। ठीक है, तो इसको पहले नोट करते हैं फिर थर्ड पर बात करेंगे अपन। नाइट्रेशन की क्रिया नाइट्रेटिंग एजेंट के नेचर पर भी डिपेंड करती है। जैसे क्या है कि यदि नाइट्रिक कारक या नाइट्रेटिंग एजेंट यानी कि नाइट्रिक कारक क्या है, इंटेंस इंटेंस यानी कि तीव्र, ठीक है, इंटेंस यानी कि तीव्र प्रकृति का है, प्रकृति का है तो एरोमेटिक रिंग में एंटर
करने वाले नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप की संख्या यानी कि नंबर्स संख्या में इंक्रीमेंट वृद्धि हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, यदि सांद्र कंसंट्रेट HNO3 व कंसंट्रेट H2SO4 को नाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है तो टू नाइट्रो ग्रुप एंटर होते हैं, प्रवेशित होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूमिंग सधूम, फ्यूमिंग क्या बोलते हैं अपन, सधूम सधूम HNO3 थ्री व H2SO4 से थ्री थ्री NO2 ग्रुप एंटर होते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर रिएक्शन बताएं तो ये बेंजीन एरोमेटिक वाला है। ठीक है, इसकी क्या है कि आप एक लिक्विड कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पर यूज करें तो उस कंडीशन में क्या है, अबाउट 100 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं तो इसमें क्या है, टू नाइट्रो ग्रुप एंटर होंगे NO2। क्या फॉर्म हो गया ये, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, अगर क्या है कि फ्यूमिंग के साथ कराएंगे सदुम, ठीक है, सैगी भी बोल सकते हैं इसको, इसके साथ सदुम नाइट्रिक एसिड प्लस आप क्या लेंगे, सदुम H2SO4। ठीक है, दोनों फ्यूमिंग में है। ठीक, और 100 डिग्री टेम्परेचर पर यानी कि इसी टेम्परेचर पर इसकी रिएक्ट कराएंगे तो इसमें थ्री नाइट्रो ग्रुप एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि इसके नेचर पर भी यानी कि नाइट्रेटिंग एजेंट के नेचर पर भी ये डिपेंड करता है। और जो थर्ड इसका फैक्टर अफेक्टिंग है
वो क्या है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी नाइट्रेटेड, नाइट्रेटेड ठीक है, यानी कि नाइट्रेट होने वाले पदार्थ की प्रकृति। नाइट्रेट होने वाले पदार्थ की प्रकृति, तो इस पर ये किस तरह से डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या है कि यदि एरोमेटिक वाले में क्या हो कि कोई OH ग्रुप या NH2 ग्रुप या अपने क्या कहें मैथिल ग्रुप जैसा कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर ऐड हो, तो क्या है कि यौगिक क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ठीक है ना, यानी कि एरोमेटिक जो कंपाउंड वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और आसानी से उसमें क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप एंटर हो जाते हैं या किया जा सकते हैं। जैसे अपने यहाँ क्या है कि सांद्र नाइट्रिक एसिड से क्या है कि बेंजीन में केवल क्या है कि एक NO2 ग्रुप एंटर करा सकते हैं ठीक है, लेकिन क्या है कि सेम कंडीशन में अगर फिनोल लिया जाए तो फिनोल में क्या होगा कि क्या हो जाएंगे, 3 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर एंटर हो जाएंगे ठीक है। तो इस तरह से ये भी इसका क्या है फैक्टर अफेक्टिंग में आता है ठीक है। क्या बात की अपन ने, किसी एरोमेटिक रिंग में यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लाइक OH, NH2 व CH3 जुड़ा हो तो कंपाउंड एक्टिव हो जाता है, सक्रिय ठीक है हो जाता है ठीक है, सक्रिय हो जाता है ठीक है, और क्या होगा, हो जाता है तथा या अतः अधिक नाइट्रो ग्रुप, अधिक नाइट्रो ग्रुप एंटर कराए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कंसंट्रेट HNO3 से बेंजीन में ओनली वन NO2 ग्रुप, केवल एक NO2 ग्रुप एंटर कराया जा सकता है, लेकिन सेम कंडीशन में समान परिस्थितियों में ठीक है, समान परिस्थितियों में फिनोल में 3
एनओ टू नाइट्रो ग्रुप, एंटर। कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेंजीन, ठीक है, प्लस, या किसकी प्रेजेंस यहाँ पर, कंसंट्रेट HNO3, और यहाँ पर क्या होगा, ओनली एक नाइट्रो ग्रुप इसमें एंटर होगा। क्या फॉर्म हो जाएगा ये, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, लेकिन अगर क्या है कि सेम कंडीशन है, ठीक है, और अपनी क्या ले यहाँ पर फिनोल, फिनोल लेते हैं, तो फिनोल में यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेट HNO3, तो इसमें क्या होंगे, थ्री नाइट्रो ग्रुप एंटर हो जाएंगे। यहाँ तो ये OH ग्रुप है ही, ठीक है, NO2, NO2 और NO2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके क्या है, थ्री फैक्टर अफेक्टिंग थे, जो क्या है कि नाइट्रेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये तीन कारक है, ठीक है। पहला क्या बताया, टेम्परेचर। दूसरा क्या बताया कि नाइट्रेट कारक की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट। और थर्ड क्या बताया, नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी नाइट्रेटेड, यानी कि नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति। इन तीन कारकों पर क्या है कि नाइट्रेशन क्या करता है, डिपेंड करता है, या इनसे प्रभावित होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अपने नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरिन्स की क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। तो फर्स्टली अपने नेक्स्ट वीडियो से नाइट्रो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।